फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में
बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना, आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है, ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा नते ये न वदंती धर्मम, अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लीगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है
इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।